आप देख रहे हैं न्यूज नौ। मैं डॉक्टर नरेंद्र गंगवार, होम्योपैथिक फिजिशियन। आप देख रहे हैं न्यूज नॉक। आज मैं आप लोगों के मध्य में जो हम लोगों के बीच में कॉमन एक बीमारी जो चल रही है, उस बीमारी पे बात करने वाला हूं। किडनी से संबंधित, किडनी से संबंधित बीमारियों पर बहुत सारे डॉक्टर्स के अलग अलग मत भी हैं, लेकिन मैं होम्योपैथी में अपना विषय किडनी डिजीज के ऊपर आप लोगों के मध्य में रख रहा हूं। आजकल जो बीमारी है वो दो तरीकों से किडनी की बीमारी में लोग सफर करते हैं। उनके दो प्रमुख कारण जो देखने के लिए मिलते हैं, उनमें एक मेन कारण जो है वो हमारा बीपी जब बढ़ने लगता है, और बीपी बढ़ने के बाद में जब धीरे 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 करके वो किडनी को डैमेज करने लगता है, तो हमारे किडनी फेलियर के पेशेंट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोगों को किडनी पर विशेष ध्यान रखते हुए, अगर हमारा बीपी नॉर्मल दवाइयों से कवर नहीं हो रहा है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपने बीपी के लिए जिस हिसाब से भी जो भी हमारे लिए मेडिसिन यूज करना हो, हमको उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए जाके। दूसरा, हमारे लिए जो कॉमन इस समय मैं देख रहा हूँ, एक बहुत बहुत बड़ा, आजकल छोटा बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, पता चला कि वो उसने प्ले में गया, वहाँ के टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा पता चला साफ नहीं हो रहे हैं, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बच्चों के अंदर उठ रहा है। मैं देखता हूँ रोज मेरे पास में छोटे छोटे बच्चों के केसेस आ रहे हैं कि सर पेट में दर्द है उनके, उनको यूरिन में जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके लिए। जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि उनका पस सेल्स लेवल 50 मिल रहा है, 40 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 15 मिल रहा है। हम लोगों को पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स जब बढ़ रहे हैं, हमको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए। हमको उनके इन्फेक्शन हटाने के लिए हमको जो भी हमको साफ सफाई है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी है, ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों में भी जो होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं वो बहुत सेफ दवाइयाँ रहती हैं। जैसे मैं अगर बात करूँगा तो बेरबेरिस बुलगेरिस हो गया, कैंथेरिस हो गई, एपिस हो गई, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी के अंदर। ये दवाइयाँ अगर डॉक्टर की सलाह पर आप उन दवाइयों का अगर सेवन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी इस जो आपकी आगे बढ़ के जो कहीं ना कहीं किडनी फेल्योर या आपकी किडनी खराब होने की जो संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जब आप लंबे समय तक आपके अंदर कोई भी इन्फेक्शन परसिस्ट करता है, तो वो आपकी किडनी को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी यूरिन में प्रोटीन जाने लगता है। आपको जब यूरिन में प्रोटीन जब बढ़ जाता है, तो पता चलता है कि किडनी धीरे धीरे जो उसकी ग्लोमेरुलाइज है, जो उसके फिल्ट्रेशन रेट है, उसका फिल्ट्रेशन रेट उसका डाउन होने लगता है, और धीरे धीरे किडनी जो है वो आपका साथ छोड़ना स्टार्ट कर देती है। हम किडनी, हमारे शरीर के अंदर दो किडनियां पाई जाती हैं, लेकिन अमूमन देखा गया है कि जब फेल्योर की तरफ बढ़ते हैं केसेस में, तो देखने के लिए मिलता है कि या तो सिंगल किडनी तभी खराब होती है जब उसका कहीं पर भी कोई रुकावट देखने के लिए मिलती है, लेकिन अन्यथा अगर इन्फेक्शन से या फिर बीपी की वजह से अगर किडनियां खराब हुई हैं, तो उन लोगों में देखने के लिए मिलता है कि उनके अंदर जो किडनी है वो इन्फेक्शन की वजह से, बीपी की वजह से दोनों ही किडनी डैमेज हो गई। बीपी, और ये देखने के लिए ऐसा नहीं है कि ये आपकी 50 साल के बाद, 60 साल के बाद या 70 साल के बाद आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैंने 20 साल का बच्चा भी देखा है, 20 साल का युवा भी देखा है जो किडनी से सफ़र कर रहा है। मैंने 5 साल का लड़का भी देखा है जो किडनी फेल्योर में सफ़र कर रहा है। मेरा मानना ये एक पेनफुल कंडीशन है। आप इसका अगर बचाव शुरू से ही करना स्टार्ट करेंगे, अगर उसकी दवाइयां आप पहले से ही लेना स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगता है इनका बचाव हो सकता है। मैं आप सब लोगों से एक जरूर, भाई किडनी फेल्योर में अगर हम अपनी होम्योपैथिक दवाइयों की बात करते हैं, तो शायद अगर हमारे लिए कोई भी पेशेंट 4, 5,
क्रिएटिनिन के आसपास मिल जाता है, अगर 100 यूरिया के आसपास मिल जाता है, तो हम उसको बहुत आराम से ठीक करने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन यही चीज अगर 10 से ऊपर पहुंचने की स्थिति रहती है, तो हर जो आपकी पैथी है, सभी पैथियों की एक अपनी लिमिटेशन रहती है, तो वहां पर आपके लिए डायलिसिस कराने वाली आवश्यकता पड़ती है। लेकिन होम्योपैथी से आप अगर उसको साथ में अगर आपकी डायलिसिस हो भी रही है और उसके बावजूद भी अगर आप होम्योपैथी का उपयोग कर रहे हैं, तो मैं निश्चित आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूं कि आप किडनी की बीमारी में जितना कम से कम पेनफुल इलाज आपके लिए होगा, वो होम्योपैथी देने का आपके लिए प्रयास करती है। दूसरा, एक आप सब लोगों से ये मेरा सामूहिक आग्रह है, सभी लोगों से, जो भी विद्यालय हैं, जो अपने बच्चों को विद्यालयों में भेज रहे हैं, वो वहां पर वहां के प्रिंसिपल या वहां के जो भी आपके स्टाफ हैं, उनको इस बात के लिए जरूर बोले कि जो विद्यालय के जितने भी टॉयलेट्स हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उनको जितना क्लीन करेंगे, उनको जितना स्वच्छ रखेंगे, आपके बच्चे उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे, और सेफ रहेंगे तो उनकी किडनी सेफ रहेगी, उनकी बॉडी सेफ रहेगी, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और उनको जीवन भर कोई भी समस्या नहीं होगी। तो जरूर आप इन चीज़ों को जरूर पालन करें। और मैं न्यूज नॉक के साथ डॉक्टर नरेंद्र गंगवार आपके साथ में आगे भी न्यूज नॉक पर अपने इसी तरह से अपने वीडियो देता रहूंगा। धन्यवाद।